तो आपने देखा कि किस प्रकार विपत्र का नवीनीकरण किया जाता है, ऐसी कंडीशन में लेखक और स्वीकर्ता दोनों के लेखे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, किस प्रकार की जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं। अब हम देखेंगे अगला क्रम जहां पर विपत्र का जो स्वीकर्ता होता है वो दिवालिया हो जाता है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बनती है जब उस स्वीकर्ता की संपत्ति कम हो जाती है और दायित्व तो अधिक हो जाता है। हमने जनरल देखा था किसी भी व्यक्ति के जो दायित्व तो होते हैं, जब वो संपत्ति से ज़्यादा हो जाए तो उसको इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया मान लिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में उस पर जो देयताएं बनती है, जो उससे प्राप्त होने वाली जो राशियां बनती हैं वो नहीं मिल पाती हैं और उन सभी राशियों को डूबत ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स मान लिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी राशि नहीं डूबती, कुछ रकम जिसे हम कहते हैं आंशिक राशि प्राप्त कर ली जाती है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह की जनरल एंट्रीज की जाती हैं। आइए देखते हैं कि अगर इस कंडीशन में आंशिक राशि का भुगतान किया जाता है स्वीकर्ता के द्वारा तो लेखक या स्वीकर्ता के पुस्तक में किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लेखक या धारक के पुस्तक में एंट्री की जाती है रोकड़ खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, यानी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। अमाउंट हम इसमें किस प्रकार से लिखेंगे इसके लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ए स्वीकर्ता व्यापारी है, इसको अपने लेखक को 1,000 रुपये देने थे, 1,000 रुपये के विपत्र पर इसने स्वीकृति दी थी यानी 1,000 रुपये देने थे। ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है और 1 रुपये में 25 पैसे के हिसाब से भुगतान करता है, यानी 25% अमाउंट ही वो दे पाता है। इसका हम क्या अर्थ निकालेंगे कि बाकी जो 75% है वो डूब गया यानी कि वो बैड डेब्ट्स हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि 25% मिला है यानी 1000 का 25% यानी 250 रुपीज़ ही मिल पाए हैं और डूब कितना गया, 1000 में 250 मिले यानी कि 750 रुपीज़ डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो यहाँ पर इस जनरल एंट्री में हम अमाउंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे, हमको जो मिला जो रिसीव हुआ उसको हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 250 रुपीज़, जो डूब गया उसको हम डूबत ऋण के डेबिट साइड में लिखेंगे 750 रुपीज़ और टोटल जो 1000 के अमाउंट है उसको हम एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये हमने बात की लेखक की पुस्तकों में प्रविष्टियों की। स्वीकर्ता अपनी पुस्तक में किस प्रकार प्रविष्टि करेगा, जस्ट अपोजिट एंट्री। लेखक पाने वाला था तो वो रिसीव के अकॉर्डिंग उसने एंट्री की अपनी बुक में, स्वीकर्ता देने वाला है तो वो पेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग एंट्री करेगा, यानी कि स्वीकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि हो जाएगी धारक का व्यक्तिगत खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, हीनता लेखा से, ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं डेफिशिएंसी। लेखक जिस अमाउंट के लिए बैड डेट्स का प्रयोग करता है, डूबत ऋण का प्रयोग करता है, स्वीकर्ता उसी अमाउंट के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट यानी कि हीनता शब्द का प्रयोग करता है। अमाउंट दोनों सेम है लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है। लेखक को हानि हो रही है, जितना उसने एक्सेप्ट किया था, जितना उसका उसको मिलना चाहिए, जो उसकी रिसीवेबल अमाउंट थी उसमें कटौती हो गई, पैसे डूब गए, वो उसके लिए लॉस है, उसने डेबिट में लिखा। हम ये नहीं कह सकते कि स्वीकर्ता के लिए वो बहुत खुशी की बात है कि पैसा नहीं देना पड़ा, ऑलरेडी वो डेफिशिएंसी में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तभी तो वो इंसॉल्वेंट हुआ। तो बैड डेब्ट्स वो इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि देनदार तो नहीं था वो। लेखक जो है वो बैड डेब्ट शब्द का प्रयोग कर सकता है और स्वीकर्ता जो है वो इसी अमाउंट के लिए डेफिशिएंसी यानी कि हीनता लेखा का प्रयोग करता है।
अब आइए देखते हैं कि इसी उदाहरण में इस जनरल एंट्री में अमाउंट किस प्रकार हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो एंट्री है उसमें जो ड्रावर है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसके बाद दो अकाउंट कैश और डेफिशिएंसी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ पर हमको कैश में वो अमाउंट लिखनी है जो एक स्वीकर्ता ने एक्सेप्टर ने कैश में पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की थी? 1000 में से ओनली 250। तो 250 के अमाउंट को ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेगा और 1000 में केवल 250 ही उसने पेमेंट किया, यानी डूब कितने गए? 750। तो 750 के अमाउंट को वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखेगा और टोटल 1000 के अमाउंट फिर यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस कंडीशन में जबकि एक स्वीकर्ता दिवालिया हो जाता है किस तरह की पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। मोहन ने सोहन से 4000 रुपए का एक बिल 4 माह के लिए प्राप्त किया। भुगतान तिथि के पूर्व सोहन दिवालिया हो गया और उसकी संपत्ति से 1 रुपए में से 50 पैसे उसके ऋण के चुकाए गए। दोनों पक्षों के पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रश्न में हमको दो पक्षकार मोहन और सोहन दोनों की बुक में प्रविष्टि करनी है। अब क्योंकि मोहन ने सोहन से बिल प्राप्त किया है, यानी मोहन उस विपत्र को, उस बिल को लिखा रहा होगा सोहन के नाम से, सोहन उसको स्वीकृत करके मोहन को वापस करेगा। यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मोहन जो है वो विपत्र का लेखक है और सोहन जो है वो विपत्र का स्वीकर्ता है। और इस कंडीशन में मोहन यानी कि विपत्र का जो लेखक है उसके यहाँ जो एंट्री होगी विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की, वो होगी प्राप्य विपत्र खाता डेबिट सोहन से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे सोहन द्वारा विपत्र स्वीकृत, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय सोहन, और 4000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुगतान तिथि के पूर्व ही सोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है और पूरा जो अमाउंट 4000 मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। किस तरह से मिलता है यहाँ दिया गया है, उसकी संपत्ति में से 1 रुपए में से 50 पैसे के ऋण चुकाए गए, यानी कि 50% अमाउंट मिली और बाकी जो 50% अमाउंट है वो डूब गई। जैसे कि हमने जनरल एंट्री में पढ़ा था कि जो राशि हमको प्राप्त होने वाली है उसमें से अगर कुछ राशि नहीं प्राप्त होती, ना प्राप्त होने की संभावना होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो पैसे डूब गए और हम उसको डूबत ऋण में उसकी हम प्रविष्टि करते हैं। तो बिल्कुल उसी नियम को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर डूबत ऋण की एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले सेकेंड एंट्री हम विपत्र के अनादरण की कर देंगे, क्योंकि हमने विपत्र जो है स्वीकर्ता से स्वीकृत करा के लेखक ने प्राप्त किया था। अब क्योंकि विपत्र का जो स्वीकर्ता था उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, यानी कि पहले तो हम ये मान लेंगे कि विपत्र जो है वो अनादृत हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो उसकी हम एंट्री यहाँ पर करेंगे सोहन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सोहन विकलन प्राप्त विपत्र खाता से। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे विपत्र अनादृत हुआ, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, और 4000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने का बिल था उससे 50% 1 रुपए में 50 पैसे की दर से, यानी कि 1 रुपए में कुल 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 50 पैसे रिसीव हो रहे हैं, यानी कि 50% मिल रही है मनी। तो 4000 का 50% यानी कि 2000 मिल रहा है और बाकी जो 2000 है वो डूब गया। क्योंकि इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि दिवालिया हो गया है, क्योंकि जब कुछ बैलेंस अमाउंट रह जाती है तो उसके हम 2-3 रीजन निकाल लेते हैं कि हो सकता है कि डिस्काउंट रहा हो सकता है कि कुछ को वो कैश दे और बाकी को बिल्स रिसीवेबल में वो कन्वर्ट करे। लेकिन जब स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि वो दिवालिया हो गया, यानी कि अब किसी भी हालत में जो बैलेंस अमाउंट है 50% वो मिलने नहीं वाली है, तो हम जो 50% जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पर डूबत ऋण मानकर ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम बैलेंस अमाउंट को डिस्काउंट में डाले
या फिर हम उसको कैश में कन्वर्ट करें, बिल्स रिसीवेबल में हाफ हाफ बांट दें, तो यहाँ हमको अगर दिवालिया वाले शब्द को स्पष्ट कर दिया गया है तो हम ये मानेंगे कि बची जो बैलेंस अमाउंट है वो डूब गई है। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स डेबिट टू सोहन, रोकड़ खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता डेबिट सोहन से, और 2000 से हम एंट्री करेंगे। 2000 जो है वो कैश अकाउंट में आएगा, 2000 जो है वो बैड डेब्ट्स में आएगा, और बाकी 4000 जो है वो सोहन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे विपत्र का आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ, बीइंग पार्शियल पेमेंट ऑफ बिल इज डन। अब इसी तरह से क्योंकि हमने अभी यहाँ पर मोहन यानी कि विपत्र के लेखक की पुस्तक में प्रविष्टि कर ली है, अब हमको विपत्र के स्वीकर्ता की पुस्तक में प्रविष्टि करनी है। तो जैसे मोहन अपनी पुस्तक में विपत्र के स्वीकृत होकर प्राप्त होने की प्रविष्टि करता है, वैसे ही सोहन जो कि विपत्र का स्वीकर्ता है वो अपनी पुस्तक में इस विपत्र पर स्वीकृति देने की प्रविष्टि करेगा। तो विपत्र पर स्वीकृति देने की सोहन कौन सी प्रविष्टि करता है, क्योंकि सोहन स्वीकर्ता है तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट, दे विपत्र खाता से, ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है यहाँ पर, मोहन है, यानी कि यहाँ हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल्स पेबल, मोहन का खाता डेबिट, दे विपत्र खाता से, और टिप्पणी लिखेंगे हम दे विपत्र पर स्वीकृति प्रदान की। और क्योंकि 4000 का वो विपत्र था तो 4000 से यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, जबकि हम देख रहे थे कि फर्स्ट हमने यहाँ पर एंट्री की थी मोहन की पुस्तक में दूसरी एंट्री, जबकि अब जो सोहन है वो तो दिवालिया हो गया है तो उस पर कुछ राशि मिलनी नहीं है, यानी कि विपत्र जो 50% मिला उसकी एंट्री तो हम थर्ड में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो बिल जो जमा हुआ था वो डिसऑनर्ड हो गया है, बिल जो लीक कर दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो डिसऑनर्ड की एंट्री जब हम स्वीकर्ता यानी कि सोहन की पुस्तक में करेंगे तो एंट्री होगी यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जनरली यहाँ पर हमने देखा कि जब हम वीडियो देख रहे थे तो हमने देखा कि जब विपत्र अनादृत हो जाता है तो स्वीकर्ता की बुक में एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ड्रॉवर यहाँ पर मोहन है, इसलिए हमने प्रविष्टि की है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग डिसऑनर्ड ऑफ बिल, देवी पत्र खाता डेबिट मोहन से, और टिप्पणी हम लिखेंगे विपत्र का अनादर। थर्ड, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 50% जो है वो विपत्र पे अमाउंट पेबल है और बाकी जो 50% है वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा, डूबत ऋण में चला जाएगा, जो कि मोहन यानी कि लेखक के लिए डूबत ऋण खाता था वही सोहन यानी कि स्वीकर्ता के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट जिसे हम हीनता लेखा बोलते हैं उसके अंतर्गत हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिफिशियंसी अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हम वो 2000 लिखेंगे जो कि बिल्स पेबल पर दिया गया, और डिफिशियंसी अकाउंट में हम वो 2000 लिखेंगे जो कि डिफिशियंसी रह गई यानी कि डूबत ऋण की वजह से लॉस, दिवालिया इंसॉल्वेंसी की वजह से जो नहीं दिया जा सका उसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में 2000 को ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉपर हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री होती है मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिखते हैं बीइंग पार्शियल पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, मोहन का खाता डेबिट रोकड़ खाता से, हिंता लेखा से, देवी पत्र का आंशिक भुगतान किया। 1 मार्च 2010 को ए ने बी को 5000 रुपए का माल बेचा, बी ने 3000 रुपए नगद देकर शेष राशि के लिए एक विपत्र 3 माह की अवधि का स्वीकार किया। ए ने इस विपत्र को 4 मार्च 2010 को 6% वार्षिक की दर से बैंक से बट्टे पर भुना लिया। देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया, बैंक ने 15 रुपये निकराई व्यय की चुकाए। बी ने 6% वार्षिक ब्याज व अवलोकन व्यय तथा विपत्र की राशि सहित एक 3 माह का नया विपत्र लिखने की प्रार्थना की, जिसे ए ने मानकर एक नया विपत्र बी पर लिख दिया, जिसे बी ने स्वीकार कर ए को लौटा दिया। देय तिथि पर इस नए विपत्र का भुगतान हो गया। ए के खाता बही में प्राप्त विपत्र खाता, बी का खाता तैयार कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए ने विपत्र लिखा था और वो विपत्र का लेखक है, बी जो है उस विपत्र को स्वीकृत करके लौटाता है यानी कि वो स्वीकर्ता है।
तो इस कंडीशन में अब लेखक और स्वीकर्ता दोनों की पुस्तक में हमको पहले तो जनरल एंट्री पास करनी होगी और उसके बाद फिर हमको यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करना होगा। हालांकि प्रश्न में दिया गया है कि खाता बही में प्राप्य पत्र खाता और बी का खाता तैयार कीजिए, लेकिन उसके पहले हमको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी और उस जनरल एंट्री के बेस पर ही हम लेजर तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए यानी कि लेखक की पुस्तक में जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री यानी कि जिसमें विपत्र का लेखक एक विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करके वापस लेता है उसके अंतर्गत होगी, और उसने बी को जब माल बेचा है तो उसकी कौन सी प्रविष्टि होगी, आइए हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री होगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम ए की पुस्तक में जनरल एंट्री कर रहे हैं, ए जो है वो विक्रेता है क्योंकि विक्रेता ही विपत्र को लिखता है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम ए की बुक में करेंगे क्योंकि उसने बी को माल बेचा है, तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि बी ने 3,000 रुपए नगद देकर शेष राशि के लिए एक विपत्र 3 माह की अवधि का स्वीकार किया। तो यहाँ पर चाहे तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं 3,000 कैश की और उसमें फिर बाकी जो 5,000 में से 3,000 माइनस करने के बाद 2,000 बचता है उसकी हम प्राप्य विपत्र लिखने की एंट्री करेंगे। और लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग एंट्री करेंगे इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यानी कि प्राप्त विपत्र खाता अलग से बनाना है, तो असुविधा मत हो इसलिए हम अलग अलग जनरल एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंट्री यहाँ पर हो जाएगी जबकि बी से 3,000 रुपीज मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को। तो ए अपनी बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी क्योंकि बी से वो प्राप्त कर रहा है नगद, और यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 3,000 रुपीज बींग कैश रिसीव फ्रॉम बी, इस तरह से हम नरेशन लिखेंगे। ये दो एंट्री हो गई हमारी ए के पुस्तक में। थर्ड एंट्री होगी जबकि शेष राशि के लिए वो विपत्र लिखकर स्वीकृत करेगा, तो क्योंकि ए लेखक है, लेखक जो है विपत्र लिखकर स्वीकृति प्राप्त करता है तो वो जनरल एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाते से, इस तरह की एंट्री होती है। तो स्वीकर्ता क्योंकि यहाँ पर बी है तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी, इस तरह से यहाँ पर हम थर्ड जनरल एंट्री करेंगे और बैलेंस अमाउंट जो है उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 5,000 का माल उसने बेचा था, 3,000 उसने कैश दिया और बाकी जो 2,000 बच गया उसके लिए विपत्र लिखा था, तो यहाँ पे विपत्र की अमाउंट जो है वो 2,000 हो जाएगी। अब क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए ने इस विपत्र को 4 मार्च 2010 को 6% वार्षिक की दर से बट्टे पर भुना लिया। तो जब कोई लेखक जो है वो विपत्र को बट्टे पर भुना लेता है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, प्राप्य विपत्र खाता से। और अमाउंट यहाँ पर हम किस प्रकार लिखेंगे, तो 2000 का हमारा ये विपत्र था 3 महीने का और 6% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे पर भुना रहा है, तो इसके हम इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट पहले बना लेंगे। 2,000 × 3 × 6 / 100 × 12 तो ये 30 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। और अब जब हम जबकि हमको यहाँ पर जनरल एंट्री में अमाउंट लिखनी है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो थी वो हमारी वो है 2,000 में हम 30 रुपीज माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,970 और यहाँ हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 1,970, डिस्काउंट में हम लिखेंगे 30 और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे टोटल 2,000। तो ये हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो बुनाया गया विपत्र था देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया और बैंक ने 15 रुपए निकराई वह के चुकाए, तो विपत्र जो है वो अनादृत हो जाता, यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। और अमाउंट हमको ध्यान से यहाँ पर लिखना है क्योंकि एक तो 30 रुपीज ऑलरेडी उसमें डिस्काउंट चला गया है और उसके बाद 15 रुपीज यहाँ पर निकराई वह भी चला गया है, तो कुल मिला के अब ये जो विपत्र की अमाउंट पेबल बनेगी वो हो जाएगी 2,045 रुपीज जिसको कि हम जनरल एंट्री जब करेंगे प्राप्य विपत्र खाता डेबिट बी से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, तो 2,045 से हम उसकी एंट्री करेंगे। और अगर हम यहाँ पर ए यानी कि लेखक की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो आगे हम देखते हैं कि विपत्र
जो है उसका नया विपत्र लिखा गया है, नवीनीकरण किया गया है और विपत्र की जो राशि है वो लेखक को प्राप्त होगी, यानी 3 माह के लिए वो विपत्र लिखा गया है। और कब लिखा गया है? जून में। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर और फिर अनुग्रह दिवस अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 सितंबर को फिर ये अमाउंट जो है प्राप्ति पत्र की वो उसको प्राप्त हो जाएगी। एक यानी यहाँ पर जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये सारी एंट्री जो है वो लेखक की बुक में हो जाएगी। और अब इस पूरी जनरल एंट्री के आधार पर हम ए और बी का खाता बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्राप्य विपत्र खाता बनाएंगे, क्योंकि हमको केवल एक ही खाता बही में ही खाता बनाना है, इसलिए स्वीकर्ता की पुस्तक में जनरल एंट्री किसी प्रकार की नहीं कर रहे हैं हम। हमने जो लेखक की बुक में जनरल एंट्री करी है उसी जनरल एंट्री के आधार पर हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और एक्सेप्टर अकाउंट यानी कि प्राप्य विपत्र खाता और बी यानी कि स्वीकर्ता का खाता हम बना लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जब प्राप्य विपत्र खाता बनाएंगे तो जिस तरह से हमने लेजर पोस्टिंग की थी सेम उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना लेंगे, जिसमें जो कॉलम होंगे उसमें फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर का, जेएफ का और अमाउंट का कॉलम होगा, ये पूरा डेबिट पार्ट हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा। और फिर क्रेडिट साइड में हम डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट लिख के हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद अब हम जिस तरह से हमने जनरल एंट्री की है उस हिसाब से हम इसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। तो फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री जो हुई थी माल बेचने की हुई थी, जो कि हुई थी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी हम उसको प्राप्य पत्र खाते में नहीं लिखेंगे। जब जनरल एंट्री में जहां जहां पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इफेक्ट हुआ है केवल उस जनरल एंट्री को हम छांट लेते हैं और उसी जनरल एंट्री की पोस्टिंग फिर हम प्राप्य पत्र खाता यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एंट्री हमने की है फर्स्ट मार्च की, जिसमें विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की जो एंट्री है उस पे हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बी फर्स्ट मार्च को और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 2000 का वो बिल था। उसके बाद हम एंट्री देख रहे हैं 3 मार्च की, जबकि विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना लिया गया था। तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पर जनरल एंट्री हमारी हो रही है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो एंट्री बचती है अपोजिट एंट्री जो होती है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बैंक बाय बैंक अकाउंट और बाय डिस्काउंट अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट में हम जनरल में देख रहे हैं कितनी अमाउंट आई है 1970 और बाय डिस्काउंट अकाउंट में हम देख रहे हैं कितनी अमाउंट आई है 30 रुपीज की। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 जून को ये जो विपत्र का नवीनीकरण किया गया है, जो कि 2000 का विपत्र था, फिर इसमें एक तो डिस्काउंट हो गया, फिर 15 रुपीज का अलोकन व्यय हो गया, तो ये सब मिला के 2045 का हुआ था, जिसकी हमने जनरल एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट। तो वहां पर हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 4 जून को टू बिल्स अकाउंट और 2045 रुपीज से हम उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 सितंबर को हमने एक एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड, जबकि नया बिल जो है वो लिखा गया और उस पे नवीनीकरण वाला जो विपत्र था उस पर जब देती थी पर राशि प्राप्त हो रही है, तो क्योंकि वो ए को प्राप्त होगी, ए लेखक है, अभी विपत्र भी ए के पास है यानी कि लेखक के पास है, तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री लिखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 2045 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारा इक्वल आ गया है, जितने का हमारा बिल्स रिसीवेबल था वो पूरी की पूरी अमाउंट हमको रिसीव हो गई है। ऐसे ही हम यहाँ पर ए की खाता बही में बी का अकाउंट बनाएंगे, बी यानी कि स्वीकर्ता यानी एक्सेप्टर का अकाउंट बनाएंगे। इसी जनरल एंट्री के बेस पे हमको बनानी है जो जनरल एंट्रीज हमने ए की बुक में करी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जो फर्स्ट जनरल एंट्री की है फर्स्ट मार्च की,
जिसमें कि माल बेचा गया है, यहाँ हमने जनरल एंट्री की है बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ बी के अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बी ने 5000 में से 3000 पेमेंट कर दिया है, कैश पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ हमारे हमने जनरल एंट्री लिखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो बी क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम बी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, 1 मार्च को बाई कैश अकाउंट लिखेंगे हम 3000 क्रेडिट साइड में। और उसके बाद बची हुई जो अमाउंट थी यानी कि 2000 की जो अमाउंट थी उस पर एक विपत्र लिखा गया है, बी के द्वारा स्वीकृत किया गया उस विपत्र को, तो इस कंडीशन में हमने जनरल एंट्री लिखी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी पर्सनल अकाउंट। तो क्योंकि बी का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर हम बी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस विपत्र को बट्टे पर भुना लिया गया था, तो यहाँ पर बट्टे पर भुनाने की स्वीकर्ता के यहाँ जो एंट्री होती है, हमने फिलहाल लेखक के यहाँ जनरल एंट्री की थी लेकिन स्वीकर्ता के यहाँ जो एंट्री होती है वो एंट्री यहाँ पर हम कर सकते हैं बी यानी स्वीकर्ता डेबिट टू बैंक अकाउंट और ओवरऑल जो टोटल अमाउंट है वो हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी पोस्टिंग कर देंगे बी के अकाउंट के डेबिट साइड में 6 जून को बैंक अकाउंट डेबिट और 2015 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट की एक एंट्री हमने देखी थी कि डिस्काउंट जो है अगर डिस्काउंट के साथ जो है वो नया बिल लिखा गया 6 जून को, तो यहाँ जनरल एंट्री होती है बी डेबिट टू बैंक अकाउंट और इसकी एंट्री हमने 2015 से कर ली और डिस्काउंट इसमें आ जाएगा तो 6 जून को हम टू डिस्काउंट अकाउंट से इसकी एंट्री करेंगे 30 रुपीज से डेबिट साइड में। और ये जो हमने नया विपत्र लिखा था उसके लिए हमने जनरल एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, तो उसको हम बी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर हम इसकी एंट्री कर देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000 से। और यहाँ पर हम टोटल देख रहे हैं तो 7045 रुपीज से क्लोज हो जा रहा है। वह को 2400 रुपए का माल बेचता है और इस राशि का 4 माह की अवधि का एक विपत्र लिखता है जिसे ब स्वीकार करता है। 1 माह पश्चात अ इसे 5% प्रतिवर्ष की दर से बैंक से भुना लेता है। देय तिथि के पूर्व ब दिवालिया हो जाता है। उसकी संपत्ति से 50 पैसे प्रति रुपए की दर से वसूली होती है। उपयुक्त व्यवहारों के लिए प्रविष्टियां अ और ब की बहियों में कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वीकर्ता जो है वो दिवालिया हो गया। ऐसे तो दो पक्षकार है, सबसे पहले हम ये जान लें कि दो पक्षकार है ए और बी। ए जो है वो बी को माल बेचता है यानी कि ए विक्रेता है और बी उसका क्रेता है। जो विक्रेता होता है वो विपत्र लिखता है और क्रेता से वो स्वीकृत करा के वापस प्राप्त करता है, तो क्रेता यहाँ पर बी है यानी कि वो स्वीकर्ता है। अब जबकि आ ब को माल बेचेगा यानी कि आ लेखक है और ब स्वीकर्ता, ये हमने जाना, तो आ यानी कि लेखक के पुस्तक में कौन कौन सी प्रविष्टि होगी आइए देखते हैं। आ जबकि ब को माल बेचेगा, ए जब बी को माल बेचेगा तो पहले तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा बी डेबिट टू सेल बीइंग गुड सोल्ड टू बी और 2000 से एंट्री करेगा। और फिर जब वो बिल पर स्वीकृति प्राप्त करेगा, किससे? बी से प्राप्त करेगा, तो इस कंडीशन में वो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। एक्सेप्टर कौन है? यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब नेक्स्ट क्योंकि दिया है कि 1 माह पश्चात आ इसे 5% प्रतिवर्ष की दर से बैंक से भुना लेता है। अब ऐसी कंडीशन में लेखक की बुक में हमने देखा कि एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां पर हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे 2400 इंटू 2 इंटू 5 क्योंकि 1 माह पहले ही वो भुना लेता है तो 3 मंथ ही रहा उसके पास विपत्र, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट के कैलकुलेशन करेंगे 2400 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 100, तो 30 रुपीज हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि नेट अमाउंट हमको लिखना है यहाँ पर, तो नेट अमाउंट की कैलकुलेशन हम कर लें। हमारा जो टोटल बिल है वो है 2400 का,
तो 2400 में हमने डिस्काउंट कितना दे दिया यहाँ पर 30 रुपीज का। तो बैलेंस अमाउंट जो होती है वही नेट अमाउंट कहलाती है। तो बैलेंस अमाउंट है हमारी 2370, वो हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 30 रुपीज, और टोटल बिल्स रिसीवेबल हम 2400 लिखेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो ये बिल है स्वीकर्ता दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है कि ब जो था एक्सेप्टर जो था उसका जो बिल है वो तो डिसऑनर्ड हो जाएगा, वो दिवालिया हो गया तो बिल अनादरित हो जाएगा। तो अनादरण के एक डिसऑनर्ड के एक एंट्री हम यहाँ पर ए के बुक में कर देंगे नॉर्मल एंट्री, जो कि हो जाएगी बी डेबिट। यानी यहाँ पर हम नॉर्मली एंट्री करते हैं एक्सेप्टर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और एक्सेप्टर यहाँ पर हमारा बी है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और 2400 से ही हम उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जबकि नया जो पॉइंट है इसमें, जबकि बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है और स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उसकी संपत्ति से 50 पैसे प्रति रुपए की दर से वसूली हो रही है। 1 रुपए में हमने देखा कि 100 पैसे होते हैं, 50 पैसे मिले, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि एक्चुअली उससे जितना मिलना चाहिए था उसे केवल 50% मिला, बाकी 50% डूब गया। हमको ये मानना है कि डूब गया, क्योंकि जब बैलेंस कुछ कम दिया जाता है स्वीकर्ता के द्वारा तो या तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं और या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो पैसा डूब गया। तो डिस्काउंट की कंडीशन में तो स्पष्ट रूप से दिया रहता है कि कितना डिस्काउंट दिया, या कई बार ये कंडीशन आती है जब वो कुछ अमाउंट को कैश दे देता है और बाकी के लिए बिल लिखता है, तो वो भी प्रश्न में स्पष्ट रहता है। लेकिन अगर दिवालिया शब्द का प्रयोग किया गया, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम ये मानेंगे कि अब जो बैलेंस अमाउंट है वो डूब गई, बैड डेट्स हो गए और डेफिशिएंसी हो गई वो स्वीकर्ता के लिए, वो पैसे अब मिलने वाले नहीं है। तो जो ए यानी कि लेखक के लिए जो बैड डेट्स होगा वो बी यानी कि स्वीकर्ता के लिए डेफिशिएंसी होगा। ए जब अपनी बुक में एंट्री करेगा तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बीस पर्सनल अकाउंट, और 50-50 है क्योंकि 50 पैसे मिले, यानी 50% मिले और 50% डूब गया। तो कैश के डेबिट साइड में 1200 लिखेंगे हम, बैड डेब्ट्स के डेबिट में हम 1200 लिखेंगे, और टोटल बी के क्रेडिट में हम 2400 लिखेंगे। तो ये तो बात थी हमारी लेखक के पुस्तक में एंट्री की। अब जब स्वीकर्ता के पुस्तक में एंट्री होगी तो पहले सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जब वो यानी कि बी जब ए से माल खरीदेगा तो वो अपने बुक में एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। उसके बाद जब बिल पे वो स्वीकृति देगा तो नॉर्मल एंट्री हम जो करते हैं वही करेगा ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी ड्रॉवर कौन है यहाँ पर, ए है, तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल। उसके बाद जब डिसऑनर्ड हो जाएगा बिल तो नॉर्मल एंट्री जो स्वीकर्ता क्या होती है, चाहे वो विपत्र भुना लिया गया हो या बेचैन कर दिया गया हो, नॉर्मल एक ही एंट्री होती है बी की पुस्तक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट। ड्रॉवर यहाँ पर कौन है, ए है, तो यहाँ पर बी की पुस्तक में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, और नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग डिसऑनर्ड ऑफ बिल, और अमाउंट यहाँ पर हम 2400 की अभी लिखेंगे। नेक्स्ट जबकि ये जो जो बी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और बिल पे केवल 20% और बिल पे केवल 50% ही वो पेमेंट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो, क्योंकि उसके लिए जो बैलेंस अमाउंट हुई वो उसका हीनता लेखा, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, हीनता लेखा में वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी में वो चले जाती है। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे इंसॉल्वेंसी के बाद ए डेबिट, यानी नॉर्मली हम एंट्री करते हैं ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी, तो यहाँ पर ड्रॉवर ए है तो हम एंट्री करेंगे ए डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और क्योंकि 50-50 है, 50% कैश पेमेंट किया गया और 50% जो है वो डेफिशिएंसी में चला गया, तो 2400 का 50% यानी कैश में 1200 आ जाएगा, डेफिशिएंसी में 1200 आ जाएगा, और टोटल 2400 ए के अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा।